day I want every patient. Sorry, I will not call you a patient. I will call you the number one champion. Because you are not like me. My name is Mangesh. My age is 21 years old. My last 11 years of type 1 diabetes. आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के आंकड़ों के अनुसार 70 मिलियन से भी ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट भारत में हैं। दुनिया में हर पांचवा व्यक्ति भारतीय है जो डायबिटीज़ से ग्रसित हो गया है। और चौंकाने वाले आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि भारत दुनिया में डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है। डायबिटीज़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को दवाइयों एवं उचित खान पीन और कसरत से नियंत्रण रखा जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर देता है और मरीज को सुबह, दोपहर, शाम और रात में अपने शुगर को चेक करना होता है। खाना खाने से पहले इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन को लेना होता है। टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मरीजों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि इस इलाज का संपूर्ण ध्यान रामकृष्ण सेवा आश्रम में वहाँ के स्वामी डॉक्टर दया दीपानंदा, जिन्हें हम सब प्यार से शिवू महाराज जी कहते हैं। जानकारी के अभाव एक गलत चिकित्सा से बीमारी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बीमारी से ग्रसित हो गए हों या होने वाले हों, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप रामकृष्ण आश्रम हरिद्वार में डॉक्टर शिवू महाराज जी से जरूर परामर्श लें। टाइप 1 चैंपियंस के लिए महाराज जी मंथली मीटिंग रखते हैं और डाइटिशियन से उनका डाइट चार्ट बनवाते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। चैंपियंस के एक गुण होता है डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे नेवर गिव अप, कभी त्यागते नहीं, कभी हारते नहीं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है। नो प्रॉब्लम, सचिन की टूटती थी, अमिताभ बच्चन अभी भी कहते हैं शूटिंग से पहले उनके फिर स्टमक पे बटरफ्लाई फील होते हैं, यानी घबराते हैं। दिस इज द साइन, दिस आर द सिग्नल फॉर यू, कि आपको सिग्नल देते हैं कि आप अवेयर होकर और बेहतर कीजिए। देखिए एक नेगेटिव माइंड सेट वाला व्यक्ति इसी पर रुक जाता है। पैनक्रियास आपकी बॉडी का एक अंग है, पूरी बॉडी हमारी एक मशीन है, गॉड का गिफ्ट है। अगर कोई एक चीज खराब हो जाए तो क्या उसकी सजा हमें पूरे शरीर को देनी चाहिए? नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी आंखें प्यारी हैं, आप बोलेंगे डेफिनेटली सर आई लव माय आईज। किसी का आईसाइट भी कहते हैं, वो चश्मा नहीं लगाएगा, उसको लगाना पड़ेगा खूबसूरत दुनिया देखने के लिए। एक पैनक्रियास के इंसुलिन में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, इसकी सजा हमें कोई अधिकार नहीं है पूरी बॉडी को देने की। ट्रू, वी शुड नॉट गिव द पनिशमेंट टू द बॉडी बिकॉज वन पार्ट इज फेलियर, यस, बट आई एम नॉट द फेलियर, आई एम द गार्डियन ऑफ माय ओन बॉडी, आई एम द मदर ऑफ माय ओन बॉडी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय ओन बॉडी। अंडरस्टूड? वन थिंग मोर आई मस्ट ऐड हियर। कई बार हम लोग समझाते हैं कि आपको नहीं समझना है, आपको डिसीज नहीं है, आप अच्छे और व्हाट से क्यों वांट टू लिसन, क्यों सुनना चाहते हैं? इस दुनिया में कितनी सारी डेडली डिजीजेस हैं लोगों को, और सेलिब्रिटीज को है तो वो कम बैक करेंगे। टीम एस ग्लोबल वो बोलते हैं ज्यादातर दुनिया के लोग जो महत्वपूर्ण काम है वो बॉडी से नीचे तक का ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि लाइफ शुरू होती है अब टू द नेक। If you are mentally not prepared for any war, अगर आप मानसिक रूप से किसी चीज के लिए तैयार नहीं है तो आपको बहुत सारे सिम्टम प्रॉब्लम फेस हो जाती है। उनकी बुक है रिलेंटलेस, पढ़िएगा फेबुलस बुक। निर्दयता, बिल्कुल निर्दयी होना पड़ेगा अपनी सफलता के लिए। अभी 1% है जिसका पैनक्रियास बिल्कुल फिट है, वो भी धूप में चलता है, उसको भी खाली कठिनाइयां हैं। यस अलाउ That person is having trouble with himself or herself. This person is having trouble because this world, ये दुनिया किसी भी मर्सी नहीं करती है। मर्सी हम कर सकते हैं अपने ऊपर, लेकिन अगर हमारा इंटरनल टेम्परामेंट अच्छा है, we can judge. तो जब एक साधारण व्यक्ति को दुनिया में पर्याप्त चोटें मिलती हैं, धक्के मिलते हैं, कठिनाइयां मिलती हैं, वो भी संघर्ष कर रहा है, हम भी संघर्ष करेंगे। और हमारे लिए आप सोचिए, आज से 50-100 साल पहले इस डिजीज
टाइप वन में कितनी टिपिकल आती थी, कितनी कठिनाई आती थी। आज की डेट में अगर मैं ये कहूँ रोज सुबह उठने के बाद कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको मैं प्रणाम करूँ, थैंक्स बोलूँ टिपिकल मीडियम को, इस वीक को मैं सेवा भाव के रूप में टच करूँ, व्हाई शुड टच, पूछिए क्यों टच करें। जब एक बार क्रिकेट खेलते खेलते सचिन तेंदुलकर ने देखा खिलाड़ी ने जीरो का आउट होने के बाद बल्ला नहीं पकड़ लिया, सचिन तेंदुलकर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बाद में बोला, उस समय नहीं बोला, उसने बोला व्हाई डिड यू थ्रो द बैट ऑन द ग्राउंड, इट्स बैड, उसने आई विल नॉट थ्रो द बैट। सचिन तेंदुलकर कहते हैं ये जो बल्ला है ये क्रिकेट बैट ये आपको गोली देता है, इट गिव्स यू द लिमिट, यस इसको उठाइए माथे से लगाइए। अब अगर मेरी लाइफ किसी चीज पर डिपेंड है, सुनूंगा आई नॉट लव दैट थिंग, क्या मुझे इसे प्यार नहीं करना चाहिए, घृणा करनी चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, डिप्रेशन करना चाहिए और ये बोलना चाहिए why I because you are special, that's why you are I, you can take care of yourself, you should bring the devotional part in your things। आप लोग टाइप वन चैंपियंस हैं। अभी मैं चले जाऊंगा किसी बड़े राइटर्स की तरफ, वो अपने पेन को किताब को रेस्पेक्ट करता है, उससे विरोध क्यों किया। आपकी लाइफ का एक पार्ट इस चीज से टिका हुआ है कि इंसुलिन नाम का एक बहुत बड़ा पावरफुल ब्लेसिंग नेक्टर बोलूंगा मैं इसको, इंसुलिन नेक्टर आपको दिया गया है। अब चार बार दिन में मैं समझ सकता हूँ कठिनाई, आप सब लोग उसी चैंपियन ग्रुप में, यस ब्रदर, आप भी चार बार आपको इंसुलिन इंजेक्ट करना है, ट्रू यस नो, मैं समझ सकता हूँ एक दो दिन नहीं पूरे जीवन भर, ठीक है, क्या हम पूरे जीवन भर सांस नहीं लेते रहते, क्या पूरे जीवन भर हम खाना नहीं खाते हैं, क्या हम पूरे जीवन भर और कई सारे काम नहीं करते हैं। द मोमेंट यू फील वीक यू बिकम द वीक, द मोमेंट यू फील यू आर स्ट्रॉन्ग यू हैव द कैपेसिटी टू बी स्ट्रॉन्ग। वसीम अकरम को 29 वर्ष में जब डायबिटिक टाइप 1 हुआ तो शॉक लगा उनको, यस, लेकिन उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसको किस चीज से प्यार था बच्चों, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वसीम अकरम एक फेमस क्रिकेटर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, यस, उसे प्यार किस चीज से था, क्रिकेट, ही लव क्रिकेट सो इंटेंसली कि इंसुलिन इंजेक्ट करना है इस प्रॉब्लम पे, हफ्ते से ज्यादा नहीं सोचा, एक हफ्ते ज्यादा हो या नहीं, और उसने वो करके दिखाया जो और उनके लिए मिसाल बन गया। तो यही चांस आपको भी मिला है, ओवर ऑन साइड द चैंपियंस देयर आर से इफ यू गेट द सेम चांस लाइक द वसीम अकरम, डिफरेंशिएशन इतना है कि आप अभी सामान्य हैं वो असामान्य बन गया, लेकिन स्टार्टिंग में तो वो भी कॉमन पर्सन ही थे, कौन जानता था वसीम अकरम को, अगर वो गिव अप कर देगा आगे की उम्र में, ये धारणा बना है कि मैं बेकार हूँ, मुझे चार चार लिफ्ट लेना पड़ता है, मेरी लाइफ बेकार है, कितने घंटे वो जिम में, कितने घंटे वो एक्स्ट्रा आवर्स में गुजारते हैं। एक बार बोला था, यू माइट नो द ब्रूस ली द फेमस जूडू चैंपियन करते, कि मुझे डर नहीं लगता उस इंसान से जो बहुत सारे शॉट जानता है फाइटिंग के, आई अफ्रेड द पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग द रॉन्ग शॉट फॉर द रॉन्ग 10,000 टाइम्स। अगर कोई व्यक्ति एक ही चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है उससे मैं डर सकता हूं, बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग द पावर इन हिमसेल्फ, उससे नहीं लगता इसको बहुत सारे शॉट्स आते खेल रही है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि आप निगेटिव अप्रोच में तो नहीं कर रहे हैं कि मैं टाइप 1 डायबिटिक हूं, आई एम वीक, आई एम डाउन, आई एम इंफीरियर, आई हैव नो पावर इन मी, दिस इज निगेटिव अप्रोच टुवर्ड द लाइफ, ब्रिंग अप द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कि अजय शर्मा जी को एक छोटा सा गिफ्ट दें और उनको सम्मान दें। मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट के लिए सबके लिए छोटा सा आशीर्वाद। अच्छा, अजय जी ने इतना कुछ बोल दिया, उसके बाद मेरा बोलना ज्यादा कुछ नहीं, मैं समझा।
युवा धर्मशिला युवा अवस्था में धर्म का आचरण करना चाहिए। और धर्म क्या है? जो हमको धारण करता है वो धर्म है। हमको क्या चीज धारण करता है? हमारा उच्च विचार ही हमको धार्मिक धारण करता है। इसीलिए हमारा जीवन में उच्च विचार रखेंगे जो हमारा जीवन का धर्म बनेगा और जो आगे हमारा सर्वार्थिक कल्याण करेगा। बस हमको जो दिया है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, भगवान ने हमको ये दिया है, इसको मान लो। इसका मतलब क्या? किसी को दिन में एक ही टाइम खाने का व्यवस्था किया भगवान ने, उसको मान लो। बात खत्म। किसी को दो टाइम खाने का व्यवस्था किया है, उसको मान लो। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, यू आर हैप्पी कंटेंटफुल। जीवन में आनंद में रहने के लिए जो कंटेंटफुलनेस बोलते हैं, हाँ, अपने में जो है उसमें संतुष्ट रहना, ये सबसे बहुत जरूरी है। तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। उसके बाद जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको लेके हमको कैसे रहना, तो उनका मैसेज यही था कि आप कभी ना सोचो कि हमें कुछ कमी है। आप ये सोचो कि हम स्पेशल हैं, क्योंकि हम स्पेशल कंडीशन में जी रहे हैं। शरीर में पैंक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसके बावजूद हम हैप्पी एंड नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। जैसे ही आप अपने आप को मान लेते हैं, भले ही हमारे अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन हम नॉर्मल हैं। बात खत्म। इसके आगे बात जाके बोला उन्होंने, डोंट थिंक ऑफ यू आर ऑर्डिनरी बट यू आर चैंपियंस। चैंपियन का मतलब का क्या होता है? जो पूरा दुनिया जिसकी तरफ देखना चाहता है। कोई इसको सेलिब्रिटी बोलते हैं, कोई उसको चैंपियन बोलते हैं, कोई उसको बहुत महान व्यक्ति बोल सकता है। तो वो व्यक्ति बनने का पूरा आपके अंदर है, जो पूरा दुनिया आपको देख के प्राउड फील करेगा, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसके बावजूद आप अपने हिसाब से इंसुलिन लेके, खाने के हिसाब से इंसुलिन लेके अपने आप को फिट रखे हैं। दूसरे लोग जबकि छोटा इंजेक्शन के लिए रोते हैं, डरते हैं, आप रोज अपना इंजेक्शन खुद ले रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। यू आर योर ओन डॉक्टर। कोई MBBS MD डिग्री करके डॉक्टर बना, आप लोग बिना डिग्री के अपना खुद का डॉक्टर। इसीलिए यू आर चैंपियन। तीसरा बात उन्होंने बोला, लव योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करो, अपना जिंदगी को प्यार करो, जो काम करना चाहते हैं उसको प्यार करो। एज अ स्टूडेंट यू शुड लव टू स्टडी। एक विद्यार्थी के नाते हमको पढ़ाई में प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। प्यार का मतलब क्या है? जिस चीज को हासिल करने के लिए हमने निश्चय किया है उसको छोड़ के दूसरा और किसी में मन नहीं लगाना है। पढ़ाई करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, विषय को अच्छी तरह से समझना है, आगे जाके अच्छा व्यक्ति बनना है, गुड सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। इसको सामने रख के अपना पढ़ाई में मन लगाओ, अपना पढ़ाई के प्रति प्यार रखे। लव योर सेल्फ। जो भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, मन दिया है, उसके लिए अपने आप को प्यार करो। एंड बी ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। भगवान ने हमको इतना दिया है, उसके लिए हमेशा भगवान को मन में याद रखे, हमेशा भगवान से प्रार्थना करो। टाइप 1 डायबिटीज रहने के बावजूद हमको और किसी के पास जाके दया कृपा मांगने का जरूरत नहीं है। यस, वी आर टाइप 1 डायबिटीज, बट वी कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट एनीबॉडी एल्स कैन डू। हम टाइप 1 डायबिटीज हैं, हमको किसी का दया या कृपा नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। जिसको हासिल करने के लिए जो चाहिए वो सब हम जाते हैं, जानते हैं, और उसको हम हासिल करके रहेंगे। हम चैंपियन हैं और दूसरों को भी ये बताएंगे, दूसरे एक दिन हमको समझेंगे हम चैंपियन हैं। तब तक हम अपना काम में लगे रहेंगे। नेवर गिव अप, डोंट एक्सपेक्ट कंपैशन। दूसरों का हमको दया नहीं चाहिए।
तीसरा बात जो उन्होंने बोला, हमेशा ऑलवेज वॉक विद पॉजिटिव थॉट्स, अपने मन के अंदर हमेशा पॉजिटिव अच्छा सोच के अपने आप को अच्छा मान के गर्व से बाहर निकलो, स्माइलिंग फेस, आनंद से चलो, यही है जीवन। तो ये सारी बातों को अभी तक एक एक एग्जाम्पल दूसरा लोगों ने कैसे हासिल किया है और वो जो स्वामी विवेकानंद का संदेश दुनिया को दे रहे हैं उसमें उनको कितना अच्छा लग रहा है। एक तो स्वामी जी का काम हो रहा है लेकिन वो करके उनको अच्छा लग रहा है, ना हमने उनको पैसा दिया ना कुछ दिया, जस्ट बुलाया, प्यार से आए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का मैसेज देने में उनको प्यार है और जो काम कर रहे हैं उसको काम करके उनको अच्छा लगता है, आनंद लगता है, इसलिए कर रहे हैं। सो उसी तरह है, हम सब लोगों के लिए यही मैसेज है, फॉर्मूला सबके लिए एक ही है, लेकिन अपने जीवन में आप कैसे उसको अप्लाई करोगे। कोई स्टूडेंट है, कोई स्टाफ है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, और एक कोई जैसे स्वामी जी बोल रहे थे हम तो सन्यासी है, जो सन्यास शास्त्र बोलता है आप धर्म को धारण करके अपना जीवन बनाओ। धर्म क्या है? राइटियसनेस, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, यही बोलता है धर्म इन ब्रीफ। ऑल दैट इज गुड, ऑल दैट इज अनसेल्फिश, दैट इज मॉरल। दुनिया में जो भी अच्छा है, जो भी हम दूसरों के लिए करते हैं वही अच्छा है, वही धर्म है। तो हमेशा हमको अपने साथ में जो रहते हैं दूसरों के लिए फील करना होगा, सोचना होगा, व्हाट कैन आई डू फॉर अदर्स। पहले अपने आप को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य रखना, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म जीवन का जो संदेश है उसको मन में रोज रख के अपने आप को। आपको देख के उमंग लगता नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज है, आपने इतना अच्छा अपने को मेंटेन कर रखा है, इसके लिए आप एक्स्ट्रा क्या करते हैं, आपका क्या माइंड सेट है इसके लिए? एक्स्ट्रा अलग से अपने जीवन में अलग से टाइम निकाल कर वर्कआउट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, और आपके लिए कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ आपने जीना सीख लिया है, इसके ऊपर विजय हासिल कर लिए। अगला लक्ष्य क्या है, क्या संदेश देना चाहूँगा, मैं संदेश देना चाहूँगा अपने साथ के सभी साथियों को, सब लोग अपनी जो ये कंडीशन है इसको प्रिपेयर करें, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, कोई लापरवाही ना करें। यहाँ पर जो चीज़ मेरे को लगता है क्या कहना चाहिए सर, शायद यहाँ पर जो चीज़ मैंने कहा सबसे अच्छा है वह सबसे बहुत पेशेंट हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। मेरा नाम उज्जवल सिंह है और मैं क्लास 12th के मैंने एग्जाम दिए हैं। तो आपको कितने वर्षों से बीमारी है टाइप 1 डायबिटीज? मुझे 5-9 years से टाइप 1 डायबिटीज है। तो आपको कैसा महसूस हुआ और यहाँ रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में कैसे आया? फर्स्ट 3 years तो पहले मैं बहुत ज़्यादा पूरे इंडिया में घूमा टाइप 1 डायबिटीज के इलाज के लिए, पहले मैं मुंबई गया, उसके बाद मैं जबलपुर, उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद मेरे पापा के एक फ्रेंड ने मेरी कमेंट किया कि आप रामकृष्ण जाइए। तो बाकी जो हम घूमे हैं वहाँ पर सब प्रोफेशनल हुआ था, पर यहाँ पर जो भी तरह ट्रीट करा गया और यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। बाहर के ट्रीटमेंट में हमें इंसुलिन दिया गया, पर इंसुलिन जो उसे देना चाहिए वो नहीं था, वो एडल्ट के लिए इंसुलिन था। यहाँ पर आके हमें जो टाइप 1 डायबिटीज के लिए स्पेशल इंसुलिन है वो दिया गया। तो एक्स्ट्रा क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है रामकृष्ण सेवा आश्रम? रामकृष्ण सेवा आश्रम हमें ईश्वर की शक्ति मिली है।
We will prove it. We will prove it. We will prove it. We will prove it. We will prove it.